नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू हमने जीरे के प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। फंडामेंटल हम जानते हैं कि प्राइजेस के अंदर फंडामेंटल काफ़ी मजबूत थे, प्रोडक्शन हमारा कम था, एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग थी, कंजम्पशंस काफ़ी स्ट्रांग थे, जिसके चलते आप देख सकते हैं पिछले साल सितंबर ऑनवर्ड्स ही हमने एक बड़ी रैली आते हुए देखी। इनफैक्ट नवंबर में जो लो लगा था, उम्मीद थी कि स्विंग बढ़ेगी, बट यील्ड में जो ड्रॉप आया है और मार्च के बाद देखो प्राइजेस में जो रैली बनी है, 30,000 वाली कमोडिटी 48,000 के करीब पहुंचते हुए दिखाई दी। पिछले एक साल में 50% की जनवरी से अभी तक 50% की तेजी, पिछले एक साल में 125% की बड़ी तेजी हमने जीरे में आती हुई दिखी है और मात्र 3 महीने के अंदर अंदर 36% की बड़ी तेजी हमने जीरे में बनते हुए दिखी है। फंडामेंटल कारण की बात करें तो सबसे पहले जीरे के अंदर 50% की तेजी तो लगभग हमने 2023 में ही देखी, जिस ढंग से एक्सपोर्ट की डिमांड बनी हुई है, प्रोडक्शन में कमी बताई जा रही है कि मार्च में जो अनशेड्यूल रेन पड़ी थी जिसकी वजह से यील्ड में काफी ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया, चाइना कंटिन्यू मार्केट में बाइंग करता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते भी क्योंकि चाइना में पिछले 2 साल से कोविड के चलते काफी रेस्ट्रिक्शन बने हुए थे और अब रेस्ट्रिक्शन जैसे से हटे इमीडिएटली चाइना से हमने जबरदस्त बाइंग देखी। और ऐसा नहीं है कि खाली जीरे में, बाकी कमोडिटी के अंदर भी चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग करते हुए दिखाई दिया है, जिसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। पास 3 हफ्तों की बात करें खाली तो चाइना ने लगभग 300 से 350 कंटेनर से ज़्यादा की बाइंग करते हुए दिखाई दी। साथ में हमने देखा कि इस्लामिक कंट्रीज लाइक बांग्लादेश है, मिडिल ईस्ट है, यहाँ से भी हमने देखा सिग्निफिकेंट बाइंग बनते हुए दिखी है। नो डाउट अभी भी फॉरेक्स को लेकर बांग्लादेश में कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं, बट फेस्टिव मूड को देखते हुए कंटिन्यू बाइंग बनते हुए दिखाई दे रही है। चाइना के अंदर हमने देखा के डिमांड भी बनते दिखाई दे रही है और रीस्टॉकिंग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। अराइवल्स की बात करें तो अब अराइवल्स हम देख रहे हैं कि पुराना अराइवल मार्केट में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जिसका मतलब है कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड है, जिसके चलते डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। वहीं नए जीरे की भी अराइवल्स है, फार्मर का एक्सपेक्टेशन है और ऊंचे भाव मिले, जिसकी वजह से काफ़ी ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग अब माना जा रहा है कि 30,000 से 35,000 बैग पर डे के आसपास का जो अराइवल्स था वो बन गया था, अब थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होना चालू किया, जो दिखा रहा है कि प्रोडक्शन या सप्लाई साइड कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, यहाँ के हम देख रहे हैं तो अराइवल्स मंडियों में काफ़ी अच्छे रहे पिछले 15-20 दिनों के अंदर, और साथ में कैरी ओवर स्टॉक का जो कंसर्न है वो अभी भी बना हुआ है। इंटरनेशनल में नो डाउट सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान, चाइना, यहाँ पे इस बार स्विंग अच्छी बताई जा रही है, लेकिन मौसम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना है। अगर मौसम की मार नहीं लगती है तो हम देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर एक विराम आ सकता है, बिकॉज नए माल का जब अराइवल बढ़ेगा मार्केट के अंदर तो इसका एक नेगेटिव असर प्राइजेस पे पड़ सकता है। तो टाइमिंग मार्केट के अंदर फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, जो एज ऑफ नाउ मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, बट टेक्निकली ओवरबॉट है, बिकॉज एकाएक 3 महीने में 50% बढ़ जाना ये थोड़ा कंसर्निंग है, तो इसके ऊपर आपको नजर रखना है। सीजनैलिटी की अगर बात करते हैं तो जनरली अप्रैल मंथ तक तो हमने सीजनैलिटी पॉजिटिव देखी है, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी देखेंगे तो सीजनैलिटी पॉजिटिव। नो डाउट पिछले साल हमने लगभग 3% की गिरावट जरूर आती हुई देखी थी, बट इस बार फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि आप देखिए फरवरी में 32,000 का भाव था और हम 48 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली हो सकता है पुलबैक आ जाए। जो मई मंथ में हमने 2021-22, 22-23 में भी देखा था, तो वैसा पुलबैक अगर मिलता है विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, तो शॉर्ट करना नहीं है बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में भी हमने मार्केट में स्टेबिलिटी और गिरावट देखी थी, 2021-22 में भी और 2022-23 में भी, तो थोड़ी बहुत गिरावट जरूर बनती है, बट उस गिरावट पे हमें लेने का ही मानस बना के चलना चाहिए, बेच के नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट पूरे साल भर की शॉर्ट रहनी है। टेक्निकल चार्ट हमने पहले भी कहा था कि एक राउंडिंग बॉटम बना है, और जैसे ही प्राइजेस ने 37,000 का लेवल तोड़ेगा तो जितना ये डेप्थ इस राउंडिंग बॉटम का है उतना ही हम टारगेट लेके चलेंगे। तो आप मान के चलिए 38 से और नीचे में ये 30,000, मतलब 8,000 का ये एक डेप बना था, तो 38 से 8 अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 46 से 48,000 तक के टारगेट रहेंगे, जो ऑलमोस्ट अचीव होने वाले हैं। तो हमें लगता है 48,000 का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, यहाँ से हो सकता है थोड़ा पुलबैक मिल जाए, बट संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि इतने ऊंचे भाव में स्टॉकिस की बाइंग नहीं आएगी, और अगर प्राइजेस में कंटिन्यूटी बनी तो अगला लेवल सीधा 53,000 का है, बट वो फिजिबल ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बट टाइमिंग लगता है 48,000 के ऊपर प्राइस टच करके एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जो 38,000 का एक बड़ा बेस बन गया है, इस बेस तक अगर आता है तो हमें फिर से बाइंग करके ही चलना है, ट्रेंड पॉजिटिव या शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ मेरा ये सेशन बंद करता हूँ।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।